और जिला पश्चिमी चंपारण के बेतिया थाना कालीबाग ओपी क्षेत्र के अंतर्गत मिसकार टोली इमामबाड़ा निवासी सुप्रसिद्ध चादर व्यवसायी वसीम दिलनवाज के लगभग 17 वर्षीय पुत्र हुजैफा वसीम को मंगलवार की शाम करीब 7:30 बजे कमलनाथ नगर से अपराधियों द्वारा मोटरसाइकिल समेत अपहरण कर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना मिलते ही लोगों ने भारी आक्रोश देखा गया और नगर थाना एवं कालीबाग ओपी पुलिस सक्रिय को रात में अपराधियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी करती रही। इसी दौरान प्राप्त सूचना पर पुलिस रात भर करीब 1 बजे सुप्रिया रोड स्थित यामाहा मोटरसाइकिल एजेंसी के पीछे जलकुंभी पानी से अपहरण युवक का शव बरामद किया, जिसकी गर्दन रेत कर उसके शरीर चाकू से कई बार गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सह महारानी जानकी कुंवर अस्पताल बेतिया में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, परंतु इस संबंध में पुलिस अभी कुछ बताने से कतरा रही है, जिससे हत्या का कारण ज्ञात नहीं हो सका है। वहीं पुलिस 3 व्यक्तियों को शक के दायरे में हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों ने आक्रोश इतना था कि देवी चौक पर शव रख प्रदर्शन किया, जहां नगर थाना अध्यक्ष शशि भूषण ठाकुर, SDPO मुकुल परिमल पांडे, SDM सदर विद्यानाथ पासवान ने शोकाकुल परिजन एवं आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दिलाने के लिए आश्वासन दिया। तब पुलिस की सुरक्षा में बड़ी ईदगाह कब्रिस्तान में अंतिम विदाई कर मिट्टी दिया गया। वहीं नगर थाना मनुआपुर थाना मुफस्सिल थाना श्रीनगर थाना सहित कई थाने पुलिस बल के साथ इमामवाड़ा द्वार देवी चौक शहीद चौक पुलिस छावनी में तब्दील हो गए।